कि आपने जो है वो चांद पे चंद्रयान 3 जो भेजा है, तो आज मैंने उनकी न्यूज पढ़ रहा था कि वो चांद के ऑर्बिट में जो है वो दाखिल हो चुका है। तो यार ये अक्सर खुशी होती है कि आप हमसाए मुल्क हैं, तो अगर आप कोई चीज करते हैं तो खुशी जरूर होती है कि हमें भी उस चीज को करना चाहिए। देखिए आज के दौर में ना सबसे बड़ा अगर एजुकेशन नहीं है ना, तो कोई वैल्यू है ही नहीं लाइफ में, ही नहीं लाइफ में। तो अगर आप सीधा से अगर आप कहीं जा रहे हैं या फिर आपका जैसे कोचर तो उसमें अगर कोई ज्यादा पढ़ा लिखा भी है ना, तो उसे आप करके बोलते हैं, लेकिन उसमें कोई कम पढ़ा लिखा है या फिर कोई काम कर रहा है, कोई नाम से आप नाम से बुलाते हैं, उसे भी नाम से बुलाते हैं, उसे हम मिलना चाहिए देते ना, मिलना चाहिए देते भी। तो इसलिए अच्छा, अभी अभी D2M जो है वो D2M वो किस पर्पस के लिए स्टार्ट किया जा रहा है जी? आप भी तो पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं, यहाँ के लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, वो लोग ताकि सुनेंगे जो यहाँ से भी बहुत सारा वीडियो देखता हूँ आपका, मैं देखता हूँ आपका, मैं बहुत वीडियो देखता हूँ, बहुत वीडियो देखता हूँ, ऐसे भी मतलब बहुत सारे वीडियो, वहाँ के वीडियो बहुत सारे कल्चर, बहुत सारे कल्चर। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर बात की जाए बीजेपी की या कांग्रेस की, तो किस पार्टी ने काम ज्यादा किया है अपने जो है वो टर्न, अपने जो उसका आया था दौर आया था, किस पार्टी ने ज्यादा काम किया? अच्छा आप अपने आईटी फील्ड के हवाले से बताएं कि इंडिया ने कैसे इसको ग्रो किया है, आखिर वो राज हमें राज बताएं ताकि लोगों को पता चल सके कि वो क्या राज था कि इंडिया जीरो से हीरो बना है जी, D2M बन रही है डिवाइस, यानी कि इसका पर्पस ये है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है वो एजुकेशन सिस्टम या वो चीजें प्रोवाइड करना लोगों को, जहां पे इंटरनेट सर्विस नहीं है या लोग टीवी नहीं खरीद सकते, तो वहां तक उस चीजों को पहुंचाना है। अभी देखिए बहुत सारे जो देहात, हाँ जिस हमद इरफान आप देख रहे हैं पीपल टीवी, इस टाइम हमारे साथ इंडिया से सुशील कुमार साहब मौजूद है। अच्छा सुशील साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं जी? जी बढ़िया, आप जी बताइए कुछ, सब बताइए कुछ ऐसे। मैं बढ़िया भाईजान, मैं भी ठीक ठाक हूँ। आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप इंडिया किस जगह से हैं और आप क्या करते हैं जी? बेसिकली मैं इंडिया में बिहार का रहने वाला हूँ, बट मैं अभी जॉब करता हूँ हैदराबाद की, हैदराबाद एरिया है, वहाँ पे मैं वोडाफोन में वाह, फिर तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रेलिवेंट है इसके। अच्छा हम आज का हमारा टॉपिक ये था कि एक इंडियन गवर्नमेंट D2 के नाम से एक सॉफ्टवेयर बना रही है जिसपे लाइव टीवी यानी कि चलेगा बगैर इंटरनेट के। जी जी, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं उसके वो कैसे चलेगा इंटरनेट के बगैर मोबाइल में, और क्या क्या चीजें उसमें, लोगों को क्या फैसिलिटीज मिलेगी उसके हवाले से? उसका बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं, पर्पस के लिए स्टार्ट किया जा रहा है। D2M जो है वो D2M वो किस पर्पस के लिए स्टार्ट किया जा रहा है जी? एजुकेशन के पर्पस के लिए, उसमें अभी बहुत सारे कोर्सेज किया ऑनलाइन अवेलेबल कराए जा रहे हैं, अभी यानी कि वो होगा कि नहीं है, कोई नहीं है, अभी होने वाली है अभी। तो उसमें आपको क्या लगता है कि उससे जो एक आप एक टेक्नोलॉजी कर रहे हो और वो दुनिया में उसका नाम होगा कि ये बहुत कम है दुनिया में, मुझे लगता है कि ये अभी तक किसी ने किया नहीं है, तो ये आप करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको कंग्रेचुलेशन, और इसके बारे में थोड़ा सा बताएं ताकि हमारे व्यूवर्स को पता चल सके इसके हवाले से। देखिए आज के दौर में ना सबसे बड़ा एजुकेशन, अगर आप एजुकेशन नहीं है ना, एजुकेशन नहीं, आपको कोई वैल्यू है ही नहीं लाइफ में, ही नहीं लाइफ में। तो अगर आप सीधा से अगर आप कहीं जा रहे हैं या फिर आपका जैसे कोचर तो उसमें अगर कोई ज्यादा पढ़ा लिखा भी है ना, तो उसे आप करके बोलते हैं, लेकिन उसमें कोई कम पढ़ा लिखा है या फिर कोई काम कर रहा है, कोई नाम से आप नाम से बुलाते हैं, उसे भी नाम से बुलाते हैं, उसे हम मिलना चाहिए देते ना, मिलना चाहिए देते भी। तो इसलिए एजुकेशन, क्या बोल रहे थे आप? अब मैंने कहा कि कब तक ये स्टार्ट हो जाएगा, ये जो आप कर रहे हैं प्रोजेक्ट, कब तक गवर्नमेंट के क्या कह रही है कि नहीं, इसके बारे में तो मुझे कुछ अभी ज्यादा
अच्छा आप अपने आईटी फील्ड के हवाले से बताएं कि इंडिया ने कैसे इसको ग्रो किया है, आखिर वो राज हमें राज बताएं ताकि लोगों को पता चल सके कि वो क्या राज था कि इंडिया जीरो से हीरो बना है। जी राज 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 यहाँ पे सबसे बड़ी बात है ना कि हमारी जो गवर्नमेंट है बहुत सारे उनके साइड है, मतलब कोई भी कोर्स ऑनलाइन फ्री में कर सकते हैं, फ्री में कर सकते हैं। वाह। और फ्री में करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे और गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे कोई मेडिकल में जाना है, किसी में जाना है, किसी स्कॉलरशिप वगैरह बहुत आसानी से मिले, बहुत आसानी से मिले। और उसका कोई भी इंटरेस्ट हो गया, कोई भी इंटरेस्ट हो गया। अभी आप नेटवर्किंग की जॉब कर रहे हैं? जी 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 वोडाफोन के लिए। तो अच्छा, तो मुझे बताएं कि आपकी कंपनी के अंदर क्या क्या चीजें क्रिएट की जाती हैं इससे, जिससे मतलब क्या क्या आपके देश को फायदा मतलब हो रहा है आपकी कंपनी से? देखा जाए तो सीधे तौर में सबसे बड़ा बहुत सारे इम्प्लॉइज है जिनको तो रोजगार मिला। जब आदमी बेरोजगार अच्छा, नहीं होता है, अच्छा आप बिहार से हैं और आप हैदराबाद में जॉब कर रहे हैं? जी 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 जी। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर बात की जाए बीजेपी की या कांग्रेस की, तो किस पार्टी ने काम ज्यादा किया है अपने जो है वो टर्म, अपने जो उसका आया था दौर आया था, किस पार्टी ने ज्यादा काम किया? देखिए इसमें देखा जाए तो कांग्रेस थी जो सत्ता में थी, उसने लगभग 80% ईडीएफ पकड़ था। अड़चे उनके मतलब देखा जैसे जैसे टाइम आता गया बीजेपी अच्छा तो अभी बीजेपी ने क्या क्या चीजें की है जो आपके मुल्क के लिए बेहतर साबित हुई है? बीजेपी ने मतलब बहुत सारे देखा जाए तो एजुकेशन ये सब चीज पे थोड़ा सा पकड़ उन्होंने ज्यादा बनाया है, बहुत सारे चीज है, मैं बता नहीं सकता, मतलब सीधी तौर पे देखिए जो भी होने वाली है। अच्छा अच्छा सुशील भाई, अक्सर हम यहाँ पे अगर आप मेरे इंटरव्यू भी देखते हैं तो अक्सर यहाँ पे लोग कहते हैं कि वहाँ पे मुसलमानों पे बड़ा जुल्म होता है, यानी कि उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता या उनको जो है वो एजुकेशन सिस्टम नहीं प्रोवाइड किया जाता, तो इस हवाले से बताएं। मैंने एक मेजर गौरव आर्या आपके उनके भी एक इंटरव्यू में सुना था कि वो कह रहे थे इंटरव्यू में कि हमने मुसलमानों पर जो गवर्नमेंट है उसने आगे बढ़ने ही नहीं दिया, उनको वो एजुकेशन सिस्टम नहीं दिया, तो इसके बारे में आप बेहतर एक आम आदमी है तो आप एक मतलब इससे बेहतर बता सकते हैं। अच्छा आप सीधा सा बात जैसे आप हज के लिए जाते हैं ना इंडिया ऐसी गवर्नमेंट है को से जो चार्ज लगता है ना उसमें वो डोनेट करती है, स्पेशली मुसलमानों को, मुस्लिम के लिए। मैं आपको बोला था ना कि थोड़ा सा था ना टाइम आपने जितने मेरे फ्रेंड्स ऑफिस में थी मेरा टीम मुस्लिम है। मैं कहता हूँ सुशील भाई हम दोबारा भी आपका इस पे करेंगे, अभी तो हमने आपका जो इंटरव्यू करने के लिए हमने आज आप टाइम निकाला था वो आपकी एक डिवाइस जो आ रही है D2M उसके हवाले से किया था, तो जब हम इस पे दोबारा भी इंटरव्यू रखेंगे प्रॉपर जो आपके ऑफिस में है उन लोगों को, इधर से हम पाकिस्तान से लोगों को रखेंगे ताकि आपस में उनकी डिबेट हो सके उनकी। तो अभी मुझे आप ये बताएं, हम अपने टॉपिक की तरफ वापिस आते हैं कि जो D2M बन रही है डिवाइस, यानी कि इसका पर्पस ये है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है वो एजुकेशन सिस्टम या वो चीजें प्रोवाइड करना लोगों को, जहां पे इंटरनेट सर्विस नहीं है या लोग टीवी नहीं खरीद सकते तो वहां तक उस चीजों को पहुंचाना है। अभी देखिए बहुत सारे जो देहात मतलब अभी एजुकेशन का जो लेवल है उनका जो नहीं है अभी, जैसे
बेसिकली अगर आपको एजुकेशन की बात करें, नॉर्मल पढ़ाई होती है जो आदमी 10, 12 वगैरह करता है, लेकिन उसके बाद जो ट्रेनिंग उसके बाद है ना, टेक्निकल साइट सेक्टर हो गया, सॉफ्टवेयर सेक्टर हो गया, टेक्निकल हो गया, मेडिकल हो गया, तो उनकी पढ़ाई का नहीं है उसके पर्पस है ना, ये बहुत ही बेनिफिट है तो उसमें अगर उनको फ्री चीजें मिलेंगी, कॉन्फिडेंस अच्छा होगा ना, अच्छा ये इस तरह होगा कि जिस तरह हम रेडियो यूज करते हैं या डिश के होता है, तो ऐसे बगैर इंटरनेट के लोगों के मोबाइल के अंदर सिग्नल कैच करके बगैर इंटरनेट के वो जो वीडियोस चलेंगी सारी, वो सैटेलाइट से डायरेक्ट कनेक्टिविटी। सही सही। अच्छा मैं एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा, आप मुझे ये बताएं कि अक्सर आप भी तो पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं, यहाँ के लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, वो लोग ताकि सुनेंगे जो यहाँ से भी बहुत सारा वीडियो देखता हूँ आपका, मैं देखता हूँ आपका, मैं बहुत वीडियो देखता हूँ, बहुत वीडियो देखता हूँ आपका, और ऐसे भी मतलब बहुत सारे वीडियो, मतलब बहुत सारे मतलब वहाँ के वीडियो बहुत सारे कल्चर, बहुत सारे कल्चर इंडिया, वहाँ के कल्चर सिमिलर ही है, सिमिलर ही है, बट थोड़ा सा मुझे कभी कभी पसंद की कमी दिखती है, ज्यादा दिखती है, जो बात ऐसा दुश्मनी मारकाट, ये मारकाट इंडिया दुश्मन है, ऐसा दुश्मन को लगता है की एजुकेशन में वो पीछे रह गए, पीछे रह गए, जो पता नहीं है इंडिया के बारे में, इंडिया के उनके खुद के अपने बारे में, खुद के अपने बारे में, एजुकेशन बेहतर होगी तो बेसिक रिश्ते भी अच्छे होंगे और लोग भी अच्छे होंगे, और लोग भी अच्छे होंगे। अच्छा मुझे ये बताएं सुशील भाई, अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया ने अपने एजुकेशन सिस्टम को कैसे बेहतर किया, अगर हम देखें तो वहां पे आपका जो है वो एक मैट्रिक का बच्चा जिसकी इंग्लिश बहुत इंप्रूव होती है और मतलब ऐसे लगता है कि जैसे वो उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही है, मतलब एजुकेशन सिस्टम को आपने इंप्रूव कैसे किया, क्या क्या पॉलिसियां आपने बनाई? उसका मेन पार्ट, उसका मेन पार्ट मतलब गवर्नमेंट को ही जाता है, क्योंकि अब हमारे बिहार के जिले में आएंगे ना, इधर मतलब से इधर मतलब गुड़ का जरिया है, गुड़ का जरिया है, हर गांव के लिए, हर गांव के लिए है गवर्नमेंट की तरफ से, एक तरफ से एक के लिए, एक से दो गांव पे एक से दो दिया गया है, दिया गया है, हर बच्चे पर स्टार्टिंग से पॉइंट को सारी चीजें सिखाई जा रही है, बताई जा रही है, बताई जा रही है, आज के टाइम में यहां पे आपके मतलब मैंने कहा एजुकेशन आपके यहाँ पे महंगी है या फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि देखा जाए तो बहुत सी ऐसी जगह होती है जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बहुत महंगा होता है, जो लोग हैं गरीब तबके की बात की जाए तो एजुकेशन सिस्टम जो है वो उसको हासिल नहीं कर पाते। एजुकेशन का यहाँ पे मतलब जो गवर्नमेंट ऑलमोस्ट फ्री ही है, मतलब यहाँ तक कि आप अगर आपको 25,000 गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट अगर फर्स्ट आते हैं और प्लस टू करते हैं प्लस 10,000 टू स्पोर्ट, 10,000 ग्रेजुएशन करते हैं तो उसके बाद आपको मेड, बाद आपको मेड दूसरा जो कोर्स करना है उसके लिए आपको इंस्टेंटली आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। चले मैं आपको एक और चीज पे बड़ी मुबारकबाद, मैं आपको एक और चीज पे बड़ी मुबारकबाद दूंगा, आप हमसाए मुल्क है, आपने जो है वो चांद पे चंद्रयान 3 जो भेजा है, तो आज मैंने उनकी न्यूज पढ़ रहा था कि वो चांद के ऑर्बिट में जो है वो दाखिल हो चुका है, तो यार ये अक्सर खुशी होती है कि आप हमसाए मुल्क हैं, तो अगर आप कोई चीज करते हैं तो खुशी जरूर होती है कि हमें भी उस चीज को करना चाहिए। तो अब और मुझे आप, अच्छा मैं आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछूंगा, ये बताएं कि आपको यहाँ पे पाकिस्तान में गवर्नमेंट कौन सी पसंद है, आपको कौन सा जो हमारे यहाँ पे पॉलिटिशियन अच्छा लगता है, कि आप ये समझते हैं कि ये बंदा जो है बेहतर कर सकता है पाकिस्तान को? पाकिस्तान का जो मतलब मैं बहुत सारे मुझे बिल्कुल मतलब कोई ऐसी गवर्नमेंट कोई है वहाँ पे जो आपके बारे में सोचता है, आपके बारे में कोई भी नहीं है, मतलब मतलब बारे में कोई सोचता ही नहीं, बारे में सोचता ही ये चीजें मुझे मतलब ये मुझे नहीं लगती वहाँ पे, नहीं लगती वहाँ पे। सही सही। तो आपके यहाँ पे गवर्नमेंट जैसे आपके घर के कोई सीनियर पर्सन है, कोई सीनियर पर्सन है, अगर वो आपके फ्यूचर के बारे में नहीं सोचेंगे मेरे बच्चों का फ्यूचर कैसा होगा, कैसा होगा, फिर घर रोट नहीं कर सकती है, नोट नहीं कर सकती है ना, तो वैसे वहाँ पे है, वहाँ पे है, वहाँ पे एजुकेशन में बहुत सारे वीडियो देखता रहता हूँ, वीडियो देखता रहता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स है ना जो इंडिया ना जो टीचर चैनल देखते रहते हैं और इंडियन टीचर से पढ़ाई करते हैं। सही 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 बात है। अच्छा मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे आपके जब से बीजेपी आई है
जी, तो उसने उसने काम को किस लेवल तक किया, यानी कि इंडिया, हम अक्सर बीजेपी की वीडियो देखते हैं, बड़े लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं कि इन्होंने ये काम के वादे किए थे, इन्होंने ये काम नहीं पूरा किया अक्सर, मतलब जैसे अपोजिशन पार्टियां होती है, तो मुझे ये बताएं आप इसके बारे में, एक आम, आप एक पब्लिक है, आवाम है, तो आप उसके बारे में क्या सोचते हैं कि किस गवर्नमेंट ने, अगर बीजेपी आई है तो उसने अच्छा काम भी किया है या नहीं? हाँ, ये डेवलपमेंट के हिसाब से देखें, हम अक्सर इंसिडेंट भी सुनते हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट में ये बहुत से ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं, जैसे कि मुसलमानों पे जुल्म किया जा रहा है या हिंदुओं को आपस में तोड़ा जा रहा है, रिलीजियस कार्ड यूज किया जा रहा है। ये काम कांग्रेस करती थी, कांग्रेस का कोई भी लीडर का एरिया होता था ना, एरिया होता था, सब ज्यादा होते थे, लेकिन बीजेपी के टाइम ये सब चीजें यानी कि बीजेपी ने इम्प्रूव किया है बहुत ज्यादा देखे तो मतलब बहुत सारी चीज जो कांग्रेस के टाइम हो जानी चाहिए बहुत ही पहले अब हो, मतलब जो चीज 20-25 साल पहले होनी चाहिए वो होने चाहिए। चले चले, बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें टाइम दिया और बड़ा अच्छा लगा आपके साथ इंटरव्यू करके।